हैं जौनपुर से, यहाँ तो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर भैया आ रहे हैं। चंद्रशेखर भैया कोई जानता ही नहीं, कर रहे हैं कोई नहीं जानता। आप जैसे सारे युवा हमारी नेता बाहर जी है, हमारी नेता बाहर जी है, चंद्रशेखर नहीं है, जय भीम, हमारी नेता बाहर जी है, हमारा हमारा गांधी का ताकत हम लोग है ना, गांधी के पीछे हम लोग खड़े हैं, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी जाए, लेकिन गांधी के साथ हम लोग जिए हैं मरे। बनारस के अंदर हम लोग हैं, यहाँ पे देखिए तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग पहले सबसे पहले बाबा से जानेंगे, बाबा चश्मा ये फैशन का है या आँख का है? आँख का है, आँख का लगा हुआ है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा भैया, कंधे पे हाथ रख के पड़ गए लेके आए हैं, तो फिर काहे आए धूप पे इतना? बांजी की सरकार बनाने, चश्मा नहीं लगा फिर भी चल दिए हैं, बनेगी नहीं बनेगी इस बार सरकार? बनेगी, हाँ सरकार बनी, बहन जी का, बहन जी का सरकार बनी। कैसे बहन जी की सरकार बनी, सारे मीडिया में तो मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर जगह कहा वाला, हमारे खाली हाथी हाथी, खाली हाथी हाथी, वो तो सरकार का कहा वाला मीडिया वालों के खरीद ले रहे हैं। अच्छा हाँ, अरे इतना बड़ा मीडिया कैसे खरीद सकते? अरे नहीं नहीं, वो खाली पैसा से, खाली मोदी जी पे पैसा नहीं है, वो कहते झोला उठा के आया था, झोला लेकर चला जाएंगे। अब 5 किलो अनाज पर कहा वाला की अभी सरकार नहीं चली, नहीं चली, 5 किलो सरकार पर ये अनाज नहीं चली। हाँ अब का कहा वाला कि हमारे के वोट करके बहन जी के जितावे के। हाँ सारे लोग तो ये कह रहे हैं इस बार गठबंधन ज्यादा मजबूत है, बहन जी अकेली पढ़ रही हैं भैया। नहीं गठबंधन की नहीं, हम लोग फ्रेश सरकार बनाएंगे सारे देश में, कई शोर हाथी चली विजय की ओर। हाथी तो बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है? अरे एकदम दिख रही है, मीडिया जो है ना, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, पूरे मीडिया को, पूरे भारत देश की मीडिया को खरीद लिए हैं। अच्छा लेकिन लेकिन वो विकास भी तो करे हैं भैया। अरे कहीं नहीं विकास किए हैं जी, किसानों की आय भी बढ़ा दी है। कुछ नहीं किसान किस, कुछ नहीं ना, कुछ घर घर नौकरी लग गई। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बेरोजगार कर दिए हैं देश में 700 कंपनियों को बंद करके और लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं। वो कहते रहे कि भैया प्राइवेटीकरण हो तो ज्यादा लोगों की नौकरी लगेगी, वो प्राइवेटीकरण करके जो संवैधानिक अधिकार है भारत के मूल निवासियों का, उनको नौकरियों से वंचित करने के लिए, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकारी संसाधनों को प्राइवेट में बेच रहे हैं, उसका सौदा कर रहे हैं। 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 गुजराती खरीदने वाले हैं। कौन से गुजरातियों की बात कर रहे हैं? जो मोदी के लोग हैं, 2 गुजराती बेचने वाले, खरीदने वाले, ये प्राइवेट डिजाइनेशन करके आइए। जोगी जी जो है, ये जो जोगी जी है, ये साधु है, ये उत्तर प्रदेश की क्या सेवा करेंगे? ये तो मत बोले भैया, भैया दो बोले कैसे समझ में आएगा, आप बोल लो पहले। ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो जो भारतीय सरकार की जो संसाधन है, जो विभाग है, उन विभागों को बेच करके भारत के सभी मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार के साथ धोखा छलावा हो रहा है। अरे भैया विकास जोरों पे चल रहा है, ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है, ये छलावा है, ये छलावा है। मूल निवासी बहुजन समाज पढ़ ना पाए इसलिए सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, मूल निवासी समाज पढ़ लग करके नौकरी ना कर पाए इसलिए सरकारी संसाधनों को बेच रहे हैं। भैया बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, भैया कहाँ से आए? भैया हम जौनपुर से आए हैं, जौनपुर से, यहाँ तो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर भैया आ रहे हैं। चंद्रशेखर भैया कोई जानता है नहीं, आप जैसे सारे युवा हमारी नेता जी है, हमारी नेता बाहर जी है, चंद्रशेखर नहीं है, चलो जय भीम, हमारी नेता बहन जी है, चंद्रशेखर नहीं है, हाथी चली हमारा। हम आए बहन जी के, बहन जी को देखने, पहली बात तो हम लोग बहन जी को देखने आए हैं। अच्छा हाँ, बहन जी हमारी नेता है हमारे समाज की, जो कि बहुत बड़ी नेता हैं, उन्हें हमारे दादा लोग सभी लोग जानते हैं भाई, हम लोग तो देखे नहीं थे, आज बहन जी को देखने के लिए आए, देखा इतना बड़ा हुजूम, हमें बड़ी खुशी हुई। आप जैसे युवा भैया तो कहते हैं कि भैया चंद्रशेखर भैया जीत रहे हैं, ये चंद्रशेखर को कोई जानता तक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? जब वो संगठन में थे तो हम लोग साथ थे, जब पार्टी बनाए तो हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे की जिसकी नेता आदरणीय भवन कुमारी मायावती जी हैं, और वो दलित समाज की, पूरे सर्व समाज की नेता हैं, जिन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं। वो तो कह रहे हैं मैं गोरखपुर से लड़के योगी साहब को हरा दूंगा, वो योगी जी को जिताने के लिए आए हैं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? योगी जी को जिताने के लिए आए, जो दलित माइनॉरिटी का वोट है उसे काट चुके। अरे जगह जगह कह रहे हैं बहन जी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं,
वो बहन जी का कहीं तो अगर आप दिखा दीजिए कि अगर वो बहन जी का कहीं प्रचार कर रहे थे, एक भी आप उनका दिखा दीजिए अगर वो बहन जी का प्रचार किए हो, बसपा का सपोर्ट किए हो, वो जहाँ भी देखिए हम उनका सपा का भी देखे दे दिखा दे और हिंदू वाहिनी का भी वो सदस्य उसका भी हम दिखा दे, हमारे पास एविडेंस था। अच्छा हाँ, वो तो कह रहे हैं कि सारा युवा हमारे साथ है, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बड़ा चेहरा बन गए हैं। यहाँ देखिए हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, सभी युवा हैं। अच्छा भैया, हम सबसे पूछ रहे हैं भैया, चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर का मायावती आप यहाँ तक चाहे जहाँ देखिए, चाहे जिससे पूछ लिए, सबके जुबान में बहन जी में ऐसा क्या है यार जो तुम पागल हो रहे हो, बताइए। बहन जी ने हमारे समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अच्छा और क्या समझ रहे बहन जी, और क्या चाहिए हम लोगों को, क्या और हुआ। चंद्रशेखर आजाद जो कहते थे कि भैया हम कभी कहते अगर हम पार्टी बनाए तो हमें जूते से मारना, क्या बात कर रहे हैं, कह रहे थे ना उनका। अच्छा। आज देखिए आज वो पार्टी बना के चल रहे हैं, आज वो हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, समझ रहे ना, वो जो हमारे बहुजन समाज जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। अरे सुनो भैया, वो बोल रहे हैं, भैया कहते हैं कि बहन जी माननीय साहब के सपने को तोड़ रही है, आप कह रहे हैं वो कौन कहता है, चंद्रशेखर भैया कैसे कहते हैं, यह सब जो इंटर जो मीडिया है चैनल वाली नहीं, सोशल मीडिया ने जो मीडिया स्ट्रीम मीडिया है वह सब बस दिखाती है। और देखिए जो कहते हैं कि बहन जी ब्राह्मणों को जोड़ रही हैं, तो बाबा साहब ने कहा था कि देखिए ब्राह्मणवाद से नफरत ब्राह्मणों से नफरत नहीं है। अच्छा हमें सर अगर हमें अच्छा, कई सारे लोग भैया ये भी बोलते हैं कि बहन जी तो ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली बन गई है, उनके सारों पे चलती है। नहीं, देखिए देखिए वह सब बहन जी चलते हैं, बहन जी जो करती है वो करती है, किसी के आने से ना जाने से, आने से ना आने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बहन जी आएंगी? हाँ बहन जी 2022 में पक्का, और 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया, बहुजन समाज पार्टी, हम जहूराबाद विधानसभा से चल कर आए हैं, हम विधानसभा गाजीपुर जहूराबाद से चल कर आए, जैसा फातिमा जिंदाबाद उसके प्रत्याशी हूँ, सभी लोग चार चक्के से आए, मैं भी शौक था कि मैं दो चक्का से चलूँ, मैं शौक था कि मैं किसी तरह पूरा करूँ और आगे बढ़ाऊँ। क्या कह रहे भैया बताइए आप भैया, ये कह रहे हैं भैया पार्टियाँ तो बहुत हैं लेकिन जो फैक्ट्री मानवर साहब बनाए थे, जो बहन जी सही से नहीं चला रही है, बहन जी तो चला ही रही है, लेकिन बहन जी के बहुजन समाज पार्टी का वो फैक्ट्री ऐसा बुनियाद है, सारे मीडिया में तो दिखा रहे हैं बहन जी बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी? हाँ। अरे इतने बच्चे हैं, इतनी बहन जी के ही सब तो है। सुनिए हमारी बात, सारे भाई बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति कांशीराम अम्बेडकर बहन जी है, वो तो और जवान हुई और ताकतवर हुई है, बहन जी का ताकत हम लोग है ना, बहन जी के पीछे हम लोग खड़े हैं, बूढ़ी कहते हैं चाहे जान जाए चाहे कुछ भी जाए, लेकिन बहन जी के साथ हम लोग जिए हैं मरे। देखिए आज यह मीडिया है बीजेपी को आगे दिखा रही है, सपा को आगे दिखा रही है, सपा जाके अखिलेश यादव गली गली प्रचार कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव इतने मजबूत होते तो गठबंधन में 48 सीट ना पाते और गली गली आके उनको प्रचार करना ना पड़ता, क्योंकि देखिए उनका उनके भयो थी ना क्या नाम था उनका, अर्पणा यादव उनके पिताजी के समधी और सभी लोग देखिए बीजेपी में चले गए, जब वो अपने घर के नहीं संभाल पा रहे हैं भाग जा रही है। वो ये बोल रहे हैं भैया कि बीजेपी को भी समाजवादी में लाने के लिए हमने भेजा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए तो नहीं हो सकता, आप देखिए जगह जगह फोटो, ये लोग अगर बहन जी का सरकार बना था 2095 में बीजेपी, ये लोग वही बार बार दिखाते हैं कि बहन जी उससे गठबंधन कर लेंगे, अभी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जाजा अमित शाह से मिल रहे हैं, अखिलेश योगी से मिल रहे हैं, मोदी से मिल रहे हैं, तो इसके लिए कोई नहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि सारे लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि बहन जी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, ये इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे हमारे पार्टी के साथ इसमें ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज बहुत तेज ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का भी दुश्मन बीजेपी है और मुसलमानों का भी दुश्मन बीजेपी है, दलितों का भी, इसलिए यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बहन जी का गठबंधन हो जाएगा, इसलिए जो दलित मुस्लिम वोट है वह बसपा से छिटक के दूसरे पार्टी में चला गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा था, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, तो क्या होगा भैया? नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, बहन जी ने बहुत अच्छा किया, देखिए यह पार्टी है, राजनीति एक समाज को लेकर नहीं की जाती, राजनीति में सारे समाज को लेकर राजनीति की जाती है, सबको एक समाज रख के सबको हिस्सेदारी देकर की जाती है, बहन जी ने यह भी कहा है जिसकी जिनमें हिस्सेदारी उसकी उन्हें भागीदार, बहन जी सर्व समाज को लेकर चलती है, बहुत बढ़िया सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। कौन सी पार्टी है जो सिर्फ एक समाज की बात करती है? देखिए बीजेपी हो गई, ठाकुर बात कर दिया, अखिलेश यादव करते हैं,
और बताइए कोई करता है? बहन जी तो सबको सम्मान देती है, हमारे हमारे पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, उनको 19 मंत्रालय मिला था और सभी लोग थे, सब लोगों को मंत्रालय मिला था। तो हमारी समाज, हमारी पार्टी किसी से भेदभाव जातिवाद नहीं करती, सबको एक समान लेकर शिक्षा स्वाभिमान मान सम्मान पर बात करती है कि सबको हक अधिकार सबको दिया जाए। पक्का आ रही है बसपा? बसपा पक्का आ रही, चाहे जिससे पूछिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, अगर बीजेपी जीतेगी तो उसका एक ही कारण होगा, धांधली। अगर मशीन में धांधली होगी, जगह जगह वोटिंग बूथ पे देख रहे हैं ना, वोटिंग बूथ जबरदस्ती वोट डाला जा रहा है, लोगों को हटा दिया जा रहा है और वोटिंग मशीन खराब कर दिया जा रहा है। लेकिन हो सकता है, मैं जहूराबाद से बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि ऐसे गाँव में भगाया जा रहा हूँ, राजभर यहाँ यादव की यहाँ कहता कि तुम दलित आते हो, अच्छा? तू गरीब आते हो, मैं किसके घर जाऊँ? अरे यादव साहब तो बोलते हैं, यादव भैया बोलते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करेंगे, बाबा साहब की पार्टियों पे चलाएंगे। वो खाली कहते हैं लेकिन नियम तो ऊपर नहीं रहते हैं, झंडा के नीचे रहते हैं। देखिए आज सभी पार्टियां हैं, दिनवा बीता था हाथी वाला जीता था, रतिया दिनवा बीता था हाथी वाला जीता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।